बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने एक मीडिया समिट में काफी बोल्ड मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। कंगना रनौत ने रिलेशनशिप से जुड़े एक सवाल पर अपने बारे में बात करते हुए कहा कि जब उनके माता पिता को मालूम हुआ कि कंगना सेक्सुअली एक्टिव है, उस वक्त उनके माता पिता चौंक गए। कंगना ने आगे कहा कि माता पिता को इस बात के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए कि उनके बच्चे के सेक्सुअल पार्टनर्स हैं। उन्हें इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि बच्चे से संतुलित सेक्स करें और प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें। पिंक विला की एक खबर के अनुसार कंगना ने कहा कि पार्टनर्स बदलना ठीक नहीं है, ये आपके सिस्टम को बिगाड़ देगा। पार्टनर नहीं बदलने को लेकर एक बहुत गहरा विज्ञान है जो ये बताता है कि इसके कितने घातक परिणाम होते हैं। कंगना ने ये भी कहा कि लोगों को एक से ज्यादा सेक्स पार्टनर नहीं रखना चाहिए और टीनएजर्स को तो खासकर सेक्स पर फोकस करना चाहिए। कंगना ने कहा कि सेक्स को लेकर तमाम तरह के ख्याल हैं और ये सब मिलकर एक गंदा सा कॉकटेल बन गए हैं। कंगना ने बताया कि उनके परदादा परदादी को थालियों पर एक्सचेंज किया गया था और उसी वक्त उन्हें बता दिया गया था कि ये आपके पति और ये आपकी पत्नी है। इससे आपके सेक्सुअल इमोशंस पूरी तरह शख्स की तरफ ट्रांसफर होने शुरू हो जाते हैं। पिंक विला के अनुसार कंगना रनौत ने कहा, सेक्स हर किसी की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन जब भी आपको सेक्स की जरूरत महसूस हो तो आपको करना चाहिए, इससे ऑब्सेस्ड होने की जरूरत नहीं है। कंगना ने कहा कि ज़्यादातर लोगों के माता पिता ये सोचते हैं कि हमारी पवित्र किताबें हमें सेक्स की अनुमति नहीं देती, हालांकि ऐसा नहीं है। कंगना ने बताया कि ब्रह्मचारी लोग अपने सेक्सुअल एनर्जी को किसी दूसरी ऊर्जा में बदलने के तरीके इस्तेमाल करते हैं।